बहुत साल पहले नदी के किनारे एक शहर था। उस शहर में सुंदर मकान और मंदिर थे। उस शहर के लोग खुश और धनवान थे। कुछ दिन बिताने के बाद उस शहर पर एक मुसीबत आई। एक एक करके उस शहर को छोड़कर चले गए। अंत में वहां केवल चूहे ही बचे। चूहे घरों में ही नहीं मंदिरों में भी घुस गए। नदी के किनारे एक जंगल था जिसमें एक हाथियों का झुंड रहता था। एक बड़ा सा हाथी उस झुंड का सरदार था। सरदार बहुत दयालु था। कुछ दिनों से बारिश ना होने के कारण उस जंगल में अकाल पड़ गई। उस हाथियों के झुंड को पीने के लिए पानी भी ना मिलने के कारण उनका बुरा हाल था। उस झुंड के सरदार ने कुछ हाथियों को बुलाकर पता लगाने के लिए कहा कि पास में कहीं पानी मिल सकता है। कुछ दूर जाने के बाद उन हाथियों को एक नदी दिखाई दिया। वापस आकर उन्होंने सरदार से नदी के बारे में बताया। सरदार हाथियों के झुंड को लेकर नदी की ओर भागे। बहुत प्यासे होने के कारण हाथी तेजी से नदी की ओर भागे। सरदार ने झुंड से कहा, हमें उस नदी के पास जाने के लिए उस शहर से जाना होगा। प्यासे होने के कारण हाथी शहर की ओर भागने लगे। बहुत सारे चूहे हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गए। जल्दी में हाथियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बाकी के चूहे इस बारे में चर्चा करने लगे। उनमें से एक बूढ़े चूहे ने कहा, जल्द से जल्द हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोचना होगा, नहीं तो हम में से कोई बच नहीं पाएगा। हाथियों का सरदार बहुत नेक है। अगर हम उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताएं तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उसकी बात सुनकर सभी चूहे हाथियों के सरदार से मिलने चल पड़े। हे गजराज, आप हमसे बड़े और महान हैं। हम बहुत छोटे और कमजोर हैं। आप लोग जब रोज नदी के ओर जाते हैं तो आपके पैर के नीचे आकर ढेर सारे चूहों की जान जा रही है। अगर इसी तरह चला तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इस बात से सरदार बहुत दुखी हुआ। माफ कर दीजिए, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। कृपया करके आप लोग पानी पीने के लिए इस शहर से ना जाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लें। आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहते ही चूहे खुश हो गए और धन्यवाद कहकर, इस सहायता के बदले आपको जरूरत पड़े तो हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। कुछ दिनों के बाद वहाँ एक शिकारी आया। उसने राजा के सैनिकों के लिए बहुत सारे हाथी पकड़े। उसने बहुत जगह गड्ढे खोदे और उस पर बड़े बड़े फत्ते डालकर वहां से चला गया। दूसरे दिन उस गड्ढे में बहुत सारे हाथी गिरकर फंस गए। तब वहां शिकारी आकर उन हाथियों को बाहर निकालकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया और चला गया। हाथी बहुत परेशान होकर सोचने लगे कि उन्हें कौन बचाएगा। तब हाथियों के सरदार एक हाथी को बुलाकर कहा, उस शहर के चूहे हमारी मदद जरूर करेंगे, तुम जाकर उन्हें बुलाओ। ऐसा कहकर उसे भेजा। वहां जाकर उन्हें बताया, जरूर हम अपने दोस्तों को जरूर बचाएंगे, चलिए। ऐसा कहकर उस ओर चल पड़े। चूहों ने अपने नुकीले दांतों से रस्सी को काट दिया। सभी हाथी आजाद हो गए। सरदार ने चूहों की शुक्रिया अदा की। तब चूहों ने कहा, आपने भी तो हमारी जान बचाई। उस दिन के बाद हाथी और चूहे मिलजुल कर रहने लगे। घमंडी बिल्ली मौसी लड़ाई करती है, चूहे को मारती है, खुद को हाथी समझती है, सिंह जैसे गरजती